नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए और जो भी जुड़ चुके हैं जल्दी से ऑडियो वीडियो क्लियर है जवाब दे दीजिए बच्चों। जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक कर लीजिए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बिल्कुल बच्चों एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लेते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ई चल रहा है, पहले ई इसलिए उठाया बच्चों, थोड़ा इजी है ताकि कंसेप्ट बन जाए। अच्छा ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है बच्चों मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर, ऑपरेशनल फैक्टर के नाम से जाना जाता है बच्चों ये। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एक्स प्लस टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस टू एक्स प्लस फाइव डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इक्वलेंट एक्स प्लस वन और ई की पावर एक्स। हाँ जी, फॉर्मेट ये दे रखा है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर फैक्टर नहीं होए, अगर इसके अंदर फैक्टर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, पर अगर फैक्टर नहीं होते बच्चों, अगर फैक्टर नहीं होते इसके अंदर तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए। फैक्टर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर फैक्टर हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ बात है ही नहीं बच्चों, फैक्टर हो जाए तो ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं बच्चों। हाँ जी, एक्स प्लस टू एज इट इज, ये क्या बन जाएगा बच्चों, डी स्क्वायर वाई माइनस टू एक्स प्लस टू, सॉरी टू एक्स प्लस फाइव डी वाई और प्लस टू वाई इक्वलेंट एक्स प्लस वन इंटू ई की पावर एक्स। सब में से कॉमन बच्चों वाई, यानी एक्स प्लस टू डी स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव और डी प्लस टू, बाहर कितना हो गया बच्चों वाई इक्वल एंड बच्चों एक्स प्लस वन और ई की पावर एक्स। आज ही फॉर्मेट ये हो गया। क्या वर्ड बोला मैंने, अगर फैक्टर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अगर फैक्टर नहीं होता है तो फिर जुगाड़ क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है ताकि उससे अपन बाहर निकल सके। पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर इससे कुछ फिनिशिंग आए तो एक्स प्लस टू डी स्क्वायर यहां रहेगा, माइनस टू एक्स और डी अगर अलग कर ले और फाइव डी अलग कर ले, फाइव डी अगर अलग हो जाएगा और इधर से आपका अलग कितना होगा बच्चों, टू होगा, तो ज्यादा कोई फिनिशिंग नहीं आ रही है। ठीक है, एक काम कर, आज इसके अंदर डी इक्वलेंट लिख सकता हूं मैं बच्चों माइनस बी यानी टू एक्स प्लस फाइव माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। हाँ जी, बी स्क्वायर यानी बच्चों फोर, या फिर ऐसे लिख लीजिए, पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं बच्चों, टू एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस फोर ए बच्चों एक्स प्लस टू और सी बच्चों कितना हो गया टू। हाँ जी, वापस सुनिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन कितना बच्चों टू ए, टू इंटू ए, ए कितना बच्चों एक्स प्लस टू, ए आपका हो जाएगा एक्स प्लस टू। हाँ जी, इससे बच्चों क्या हो जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, अगर नहीं मिले तो, और मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है बच्चों। ठीक है, डी इक्वलेंट ये फॉर्मेट क्या बनेगा बच्चों, टू एक्स प्लस फाइव और प्लस माइनस। हाँ जी, इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, 2x का स्क्वायर बच्चों 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 5 इंटू टू 10 और 10 इंटू टू 20x। हाँ जी, 2ab यानी कितना हो जाएगा 20x माइनस बच्चों 4 इंटू एक्स इंटू टू, 4 इंटू टू बच्चों 8x, 4 इंटू टू 8 इंटू टू 16। हाँ जी, अपॉन कितना बढ़ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस टू। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फैक्टर हो गई होगा बच्चों, फैक्टर हो गई होगा। हाँ जी, वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, ठीक है जी। चलिए, फैक्टर हो गई होगा बच्चों, इस चैप्टर की खासियत यही है, चैप्टर
फैक्टर आपका बनेगा ही बनेगा, 2x प्लस 5 प्लस माइनस। आज ही इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, इधर से क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर अपनी जगह एज इट इज रहेगा बच्चों, 20x माइनस ये बच्चों 12x हो जाएगा, और 25 माइनस 16 बच्चों प्लस का 9 हो जाएगा। ध्यान से अगर देखोगे तो बच्चों इसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो बना है इसका क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। आज ही डी इक्वलेंट कितना बनेगा बच्चों, 2x प्लस 5 और प्लस माइनस, और ये इसको अगर ध्यान से देखे तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ जी, ये बच्चों क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जिनके समझ में नहीं आए वापस ट्राई करते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12x। हाँ जी, मैंने एक वर्ड बोला है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं रूट में आके फंस गया, ऐसा नहीं होगा बच्चों, ठीक है, थोड़ी कोशिश करोगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। बिल्कुल बच्चों 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, इससे फायदा बच्चों स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। D बराबर क्या बनेगा बच्चों, 2x प्लस 5 और प्लस माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस 3 होल अपॉन कितना, 2 इंटू एक्स प्लस 2, फॉर्मेट ये बनेगा। आज नेक्स्ट आगे बढ़ाते बच्चों, D इक्वलेंट 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3 अपॉन बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 2, नंबर एक तो ये बनेगा। नंबर दो बनेगा बच्चों, D बराबर कितना बच्चों, 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 3 होल अपॉन कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2। हाँ जी, D के दो फैक्टर बनेंगे, 2x और 2x बच्चों, 2x और 2x 4x, 5 प्लस 3 8 अपॉन बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 2, फॉर्मेट ही आ जाएगा। एक काम कीजिए, 4 बार ले लेते हैं, 4 बार लेंगे तो बच्चों x प्लस 2 हो जाएगा, यहां से बच्चों 2 बार है और कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 से x प्लस 2, 2 से 4 खत्म। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, बुक वाला बड़ा स्मार्ट है, बुक वाला स्मार्ट है, ऐसी चीजें डायरेक्ट वो लिख देगा और अपन ये सोचते रहेंगे वो चीजें कहां से आई है, तो ये मुमकिन नहीं है बच्चों, इसलिए अपन को क्या है ऐसे हाथ पैर मारने पड़ेंगे तो कंसेप्ट निकल के आएंगे। आज इधर बच्चों 2x से 2x खत्म, 2x से 2x खत्म, 5 माइनस 3 बच्चों 2, तो 2 अपॉन 2 इंटू कितना हो गया बच्चों, x प्लस 2, फॉर्मेट आएगा बच्चों, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, इधर क्या आ गया x प्लस 2 डी इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, 1। बच्चों इन दोनों को अपन को तो फैक्टर में सेट करना है, टॉपिक का क्या नाम है, फैक्टराइजेशन। तो d माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन क्या लेके चल रहे थे कि ये एक 0 की इक्वेशन है, ठीक है, और 0 की इक्वेशन है तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो बनेगा d माइनस 2 और एक बनेगा x प्लस 2 इंटू डी और माइनस 1 इक्वलेंट 0। हाँ जी, ये दो फैक्टर आएंगे, ये दो फैक्टर आएंगे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, उसको बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान ली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो फैक्टर आपके सामने बन गए। हो सकता है डेंजर लग रहा हो, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, सेट करना इस स्टेप के बाद। हाँ जी, इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद ये दो फैक्टर है, दो फैक्टर है, एक d माइनस 2 है और एक x प्लस 2 इंटू डी माइनस 1। आज क्या है, वापस सुनिए, इस पूरे फॉर्मेट की जगह एक तो है बच्चों d माइनस 2 इंटू, एक है दूसरा वाला जो फैक्टर है बच्चों वो है x प्लस 2। हाँ जी, कितना बच्चों, x प्लस 2 और d माइनस 1, y इक्वलेंट कितना बच्चों, x प्लस 1 इंटू e की पावर x। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर है क्या, जल्दी से जवाब दे दीजिए, पूरे कंसेप्ट का एक ही काम था, फैक्टर करने फैक्टर करने फैक्टर करने, यहां तक क्लियर है क्या, जवाब दीजिए, लक्ष्य क्लियर हो गया। हाँ जी, और भी जो भी जुड़े हुए जल्दी से बच्चों जवाब आ जाना चाहिए सबका। यहां तक क्लियर प्यारे, अच्छी तरीके से क्लियर है ना, इधर वाला फैक्टर करने, किससे फैक्टर करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। लो जी, अब यहां से आगे कैसे बढ़ते हैं, तो बच्चों सबसे पहला टारगेट क्या, कांस्टेंट वाला, तो ये इंटू ये, यानी डी माइनस 2 इंटू वाई इक्वलेंट वी ले लीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी क्या बन जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 2 इंटू डी माइनस 1
और जो बच गया ये और y दोनों मिलके क्या है बच्चों v है, इक्वलेंट क्या हो गया x प्लस वन इंटू e की पावर x, फॉर्मेट ये आ जाएगा। आज आगे बढ़ाइए v की वैल्यू ये ध्यान रखनी है। हाँ जी कितना बच्चों x प्लस टू डी वी यानी dv अपॉन dx माइनस v इक्वलेंट बच्चों x प्लस वन इंटू e की पावर x, फॉर्मेट ये आ जाएगा। हाँ जी इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाते लेवल को आगे बढ़ाइए dv अपॉन dx, आज dv अपॉन dx माइनस v अपॉन x प्लस टू इक्वलेंट x प्लस वन अपॉन x प्लस टू साथ में e की पावर x इन टू है बच्चों, ध्यान रखना। कहानी को आगे बढ़ाते बच्चों क्या निकालना है बच्चों if if इक्वलेंट e की पावर माइनस वन अपॉन x प्लस टू और साथ में dx यानी e की पावर माइनस log और x प्लस टू। आज ही माइनस ऊपर जंप कर सकते हैं बच्चों e की पावर log और क्या बन जाएगा x प्लस वन की पावर माइनस वन। आज e से log खत्म, e से log खत्म कितना बच्चों वन अपॉन x प्लस वन, ये आपका क्या कहलाएगा बच्चों if यानी इंट्रीगेटिंग फैक्टर। if क्या कहलाएगा इंट्रीगेटिंग फैक्टर। बच्चों फॉर्मेट को आगे बढ़ाते नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हा जी क्या बनेगा v इंटू क्या लिखेंगे v इंटू आई एफ, v इंटू आई एफ, v इंटू आई एफ यानी वन अपॉन x प्लस वन इक्वल एंड बच्चों q ऑफ x, इक्वल एंड q ऑफ x यानी x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इंटू e की पावर x, ये तो बच्चों q ऑफ x है इंटू आई एफ। हाँ फिर अच्छा यहां मिस्टेक कर दी बच्चों अपन ने, ध्यान रखना x प्लस टू है ये, तो ये भी कितना आएगा x प्लस टू आएगा, x प्लस टू की पावर माइनस वन तो यहां पर भी x प्लस टू आएगा। सर वन अपॉन x प्लस टू है, बिल्कुल बच्चों वन अपॉन x प्लस टू आएगा, ठीक है जी ध्यान रखना। तो आई एफ कितना हो गया बच्चों वन अपॉन x प्लस टू, तो इधर भी क्या आएगा वन अपॉन x प्लस टू एज इट इज साथ में dx और प्लस का क्या हो गया c1। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज ही नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए क्या करें, आज v इंटू वन अपॉन x प्लस टू इक्वलेंट ये बच्चों क्या है x प्लस वन e की पावर x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर साथ में dx प्लस c1। आज v अपॉन x प्लस टू अपनी जगह बरकरार इक्वलेंट, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं थोड़ा साथ आपका चाहिए। आज ही एक्स प्लस वन प्लस वन माइनस वन, वन जोड़ा वन घटाया अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी समझ नहीं आएगा, इसका इंटीग्रेशन करना चाहता हूं इसलिए जुगाड़ लगाया। आज वी अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल एंड बच्चों x प्लस टू दोनों मिला दीजिए x प्लस टू अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर। बच्चों ये अपॉन ये लिख दिया और माइनस वन अपॉन ये लिख देता हूं वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर e की पावर x और प्लस c1 e की पावर x प्लस c1 फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी वापस सुन लीजिए, इंटीग्रेशन चाहते हो छोटा मोटा जुगाड़ करना पड़ता है, क्या किया प्लस वन जोड़ा ऊपर और प्लस वन घटाया, जो जहां है वो वही है कुछ बदलाव नहीं किया, जोड़ा घटाया कितना जोड़ा वन तो वन घटाना, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हो गई होगी उम्मीद है, फटाफट रेस्पॉन्स देके बता दीजिए। हाँ जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे आ जाइए v अपॉन x प्लस टू इक्वल एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक से एक खत्म हो गया बच्चों e की पावर x अपॉन x प्लस टू साथ में dx माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर और साथ में dx और प्लस c1। जो फर्स्ट वाला फंक्शन है हाँ जी
जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसमें आई लेट लगाते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स प्लस टू एज इट इज बच्चों, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में लगेगा बच्चों माइनस 1 अपॉन x प्लस टू का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। वैसे ही 1 अपॉन x प्लस टू क्या लगा रहा हूं? आईलेट फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट कौन है इसको थोड़ा सा मैं जमा के लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। हाँ जी, यहां से क्या बचा? 1 अपॉन x प्लस टू। अंदर कितना आया बच्चों? e की पावर x आया। अब क्या है? ये क्या है बच्चों? फर्स्ट है। ये क्या है बच्चों? सेकंड है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, बीच में क्या लगता है? माइनस। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना? 1 अपॉन x जैसा दिख रहा है तो माइनस 1 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, और x प्लस टू का वापस करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 प्लस 0, और e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना आएगा? e की पावर x, और साथ में इसके क्या आएगा बच्चों? dx, और प्लस क्या आएगा बच्चों? c1। ये स्टेप क्लियर है क्या? ये स्टेप क्लियर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, एक स्टेप गायब कर दी अपन ने, ध्यान नहीं रखा। हाँ जी, ये स्टेप तो बच रही थी ना बच्चों, ये वाली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर dx और प्लस c1। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, v अपॉन x प्लस टू, इधर बच्चों e की पावर x अपॉन x प्लस टू, माइनस माइनस प्लस e की पावर x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साथ में dx, माइनस e की पावर x अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, साथ में dx और प्लस का c1। हाँ जी, इस पूरे से पूरा खत्म, इंटीग्रेशन का जुगाड़ नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ाते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक फिनिशिंग आनी चाहिए। क्या बचा बच्चों? v अपॉन x प्लस टू इक्वलेंट e की पावर x अपॉन x प्लस टू और प्लस c1। हाँ जी बच्चों, यहां तक कंप्लीट होना चाहिए। लेंदी है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, v की वैल्यू लाने से पहले v इक्वलेंट ये इधर जाएगा e की पावर x प्लस c1 इंटू x प्लस टू। v की वैल्यू ये रही बच्चों d माइनस टू y इक्वलेंट v। v की वैल्यू कितनी? d माइनस टू y इक्वलेंट v, ये v की वैल्यू। हाँ जी, v की वैल्यू ये रही डी माइनस टू वाई इक्वलेंट बी। कहां से बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट से। हाँ जी, ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। हाँ जी, रेस्पॉन्स दीजिए बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब यहां से हाफ इंटरवल यहां पर खत्म हो जाता है बच्चों, आधा इंटरवल बाकी है। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? एज इट इज वैल्यू लगाते d माइनस टू वाई इक्वलेंट e की पावर x प्लस c1 और x प्लस टू। हाँ जी, आगे चलिए, क्या बन जाएगा बच्चों? dy, यानी dy बाय dx बच्चों, दो लीनियर इक्वेशन है, dy बाय dx माइनस टू वाई इक्वलेंट e की पावर x प्लस c1 x प्लस टू, फॉर्मेट ये चलेगा।
बच्चों एक यूनिट का दर्जा मिला है, सिंपल सी बात, एक यूनिट का दर्जा मिला है तो इस चैप्टर का लेवल होगा। लेवल कमजोर नहीं मानना इसका, पर हाँ इतना भी लेवल नहीं कि अपन कर नहीं पाए, कर पाएंगे। आई एफ बराबर ई की पावर माइनस टू डी एक्स, यानी ई की पावर माइनस टू एक्स। फाइनल सॉल्यूशन बच्चों वाई इंटू आई एफ ई की पावर माइनस टू एक्स। इक्वलेंट बच्चों क्यू ऑफ एक्स, यानी ई की पावर एक्स प्लस सी वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू आई एफ, यानी ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स और प्लस सी टू। आज ही एक लीनियर इक्वेशन अपने सामने और चमकदार दिखाई दे रही, तो कितना बन जाएगा बच्चों y इंटू e की पावर माइनस टू एक्स। अच्छा इन दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, e की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन एक्स e की पावर माइनस टू एक्स प्लस टू सी वन और e की पावर माइनस टू एक्स साथ में dx। सबका इंटीग्रेशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते हैं छोटी छोटी बातें, y इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस वन प्लस आई लेट लगेगा बच्चों सी वन बार, एक्स एज इट इज ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू, बीच में माइनस, एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ई की पावर माइनस टू एक्स अपॉन टू, माइनस का बच्चों ध्यान रखना, प्लस बच्चों यहां से टू सी वन बार और e की पावर माइनस टू एक्स का e की पावर माइनस टू एक्स अपॉन माइनस टू और प्लस सी टू। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या फिनिशिंग आनी चाहिए अच्छी तरीके से, क्लीन होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो आप, रिपीट लिखिए समझा देंगे। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते बच्चों, वाई इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स इक्वलेंट माइनस ई की पावर माइनस एक्स। लो जी इसका कुछ हो सकता है? नहीं, ओपन कर लेते प्लस माइनस बच्चों, माइनस सी वन अपॉन टू एक्स इंटू ई की पावर माइनस टू एक्स। अच्छा जी देखिए ई की पावर माइनस टू एक्स का इंटीग्रेशन वापस करेंगे तो एक माइनस टू और आएगा, तो बच्चों ये माइनस अपनी जगह यही रहेगा, जो एक माइनस टू और आएगा तो माइनस माइनस प्लस और फोर हो जाएगा, यानी c1 अपॉन 4 और e की पावर माइनस टू एक्स। एक स्टेप मैंने यहां बढ़ा दी बच्चों, ध्यान रखना, वापस सुन लीजिए, ये तो माइनस c1 तो जमा जमा है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस टू नीचे और गिफ्ट में आएगा, माइनस टू इंटू माइनस टू बच्चों 4 हो जाएगा, c1 अपॉन 4 e की पावर माइनस टू एक्स। आज इधर कुछ जुगाड़ करना है? नहीं बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2c1। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आज 2 से 2 खत्म और यहां से फॉर्मेट क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 से 2 खत्म, c1 e की पावर माइनस टू एक्स और प्लस c2। अब बच्चों इसको भी और देखो, c1 का जो फंक्शन है एक तो e की पावर माइनस टू एक्स, इसको डिवाइड कर देते तो e की पावर माइनस टू एक्स नीचे जाएगा, तो ये तो आएगा बच्चों e की पावर x माइनस सी वन अपॉन टू एक्स माइनस सी वन अपॉन फोर दो और माइनस सी वन और प्लस हो जाएगा सी टू ई की पावर टू एक्स, माइनस टू एक्स ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस टू एक्स बन जाएगा। आज इस ई की पावर माइनस टू एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक तो कट जाएगा बच्चों, एक जो बच्चा ऊपर जंप हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगा और c2 अपॉन e की पावर माइनस टू एक्स, यानी ऊपर जंप होके c2 e की पावर 2x हो जाएगा। थोड़ा और जमा के लिख दीजिए, कॉन्स्टेंट की दुनिया है, y बराबर माइनस e की पावर x, इसका तो कुछ हो नहीं सकता है, c1 को एक साथ ले लेते हैं, कितना माइनस c1, माइनस c1 ले लेते x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 और प्लस 1 प्लस बच्चों c2 e की पावर 2x। कॉन्स्टेंट में बदलाव आ सकता है ध्यान रखना, माइनस ई की पावर एक्स माइनस सी वन, एलसीएम फोर बच्चों तो टू एक्स प्लस वन प्लस फोर यानी फाइव, हाँ जी कितना हो जाएगा फाइव, टू एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर प्लस बच्चों सी टू ई की पावर टू एक्स। ये किसका काम करेगा बच्चों, सी एफ का काम करेगा,
ये किसका काम करेगा बच्चों, पीआई का काम करेगा, और ये किसका काम करेगा बच्चों, सीएस का काम करेगा। वाई जो होता है वो सीएस होता है, ये क्या होता है बच्चों, पीआई होता है, और ये क्या होता है बच्चों, सीएफ होता है। हाँ जी रेस्पॉन्स दे दीजिए, क्या 100% क्लियर है क्या? हाँ जी टाइम बिल्कुल मैंने बच्चों आपका खाया है, पर आपको 100% समझ में आना चाहिए। क्लियर? हाँ जी और कोई क्वेश्चन? मैंने दिए वही करने बच्चों, ये मेथड उसी के लायक है बच्चों। और कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए। सारे हो गए? सारे हो गए क्या? हाँ जी कोई एक क्वेश्चन प्यारे पीछे हो गए? चलो ठीक है वाह, कल नया टॉपिक लेते हैं बच्चों, कल ले लेते हैं नया टॉपिक, आज ये इसको तैयार कर लो ठीक है। आज जनता भी कम है, और भी जो नहीं आए कल जरूर आना बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ए बी सी तीनों लिंक के बच्चों, ए का बी से लिंक है, बी का सी से लिंक है ठीक है, डी थोड़ा सा अलग है ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे, तैयार हो जाएगा ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।